साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हुकूमत का डॉलर को फ्री करना एक अच्छा इकदाम है। उनका कहना था कि डॉलर को फ्री छोड़ने पर कीमतों पर अब प्रेशर आएगा। कराची में सेमिनार के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इकतसादी परेशानियों से बचाने के लिए प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, पार्टी छोड़ नहीं रहे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसहाक डार को जवाब देना मेरा हक था, पार्टी को इससे कोई एतराज़ नहीं। मेरे ख्याल से हुकूमत की तवज्जो मईशत पे बिल्कुल है और आज आपने देखा है कि मार्केट के अंदर डॉलर की मूवमेंट भी हुई है, तो हुकूमत की पूरी कोशिश है कि IMF को लेकर आ जाए। और लेकिन सियासत पाकिस्तान में चलती रहती है और ऐसा लगता है कि सियासत जो है उसकी और मईशत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तकसीम दर तकसीम हो रहा है मुल्क, वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, मईशत के लिए बेहतर नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का मसले का हल जो है मैं समझता हूँ, मैं हुकूमत को मुबारकबाद भी देता हूँ कि वो IMF को लेकर आना है। एक आज जो फ्री मार्केट में डॉलर को फ्लोट किया ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर और भी जो काम इकदाम होंगे वो हुकूमत उठाएगी और IMF को लेकर आएगी। थोड़ा सा प्रेशर तो आएगा प्राइसेस के ऊपर, पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस के ऊपर भी, लेकिन हुकूमत को स्पेस तो देनी होगी। इस वक्त हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं था, मैं तो ये बात पहले से समझता था लेकिन अब मेरे ख्याल से और लोग भी समझ गए। हम कोई पार्टी नहीं बना रहे, हम एक पाकिस्तान को इकोनॉमिक परेशानियों से बचाने के लिए, सोशल परेशानियों से बचाने के लिए एक प्लान तैयार कर रहे हैं जो प्रेशर ग्रुप बनाएंगे कि हर पार्टी को कहेंगे कि जब आप हुकूमत में आए तो इसको इंप्लीमेंट करें और अपोजिशन को कहेंगे कि इसकी खिलाफ वर्जी ना करो। मैंने ये कहा है कि मैं इलेक्शन नहीं, मैं हिस्सा नहीं लूँगा, लेकिन पार्टी के सपोर्टर हूँ, पार्टी में हूँ, तो मैं अभी भी पार्टी में हूँ। लेकिन और नाला की बात नहीं है, देखें काफ़ी अरसे से डार साहब जो थे वो मेरे खिलाफ TV के प्रोग्राम करते थे और एंकरों से कराते थे। अगर आप मेरी सलाहियत के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो मुझे जवाब देने का तो हक है। मेरी पार्टी को ऐसी तो वो नहीं है कि मना कर रहेगी कि ना करें।